जैसा कि दोस्तों हमने कुछ दिन पहले ये वाले वीडियो बनाए थे जिनमें आप सभी को बताए थे कि अब जो सो जनरल क्लास के यानी कि सामान्य जाति वर्ग के लोग भी जो सो दोस्तों अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप जनरल क्लास से सामान्य जाति से आते हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, तो पूरे स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या डेस्कटॉप के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना होगा गूगल पे ई सर्विस बिहार, ये लिख के आप सर्च कर दीजिए और सर्च करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको पहले वाले लिंक पे इस तरह से क्लिक कर देना है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको इस तरह से स्क्रॉल करते आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आरटीपीएस सेवाएं और यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग की आवासीय जाति एवं आय प्रमाण पत्र की सेवाएं, इस पे आपको सिंपली इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए सेकंड नंबर में जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पे आपको सिंपली इस तरह से क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको राजस्व अधिकारी स्तर पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप इस तरह से जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको एक फॉर्म के रूप में भरने के लिए दिया जाएगा, उनको आपको पूरे ध्यान पूर्वक भरना होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से आपको जो सो जेंडर सिलेक्ट कर लेना है कि आप जो आवेदन कर रहे हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए वो पुरुष का कर रहे हैं या फिर स्त्री का, तो जिसका भी आप कर रहे हैं सिंपली आपको क्या करना है उस पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप स्त्री का कर रहे हैं तो स्त्री पे इस तरह से कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, या फिर अगर आप पुरुष का आवेदन कर रहे हैं तो पुरुष पे इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अभिवादन पे आपको इस तरह से श्री सिलेक्ट कर लेना है, उनके बाद दोस्तों आपको इस तरह से नीचे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों देखिए जिनके नाम से आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, उनका नाम यहाँ पे हिंदी में लिखना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए उनके पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे उनके पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। एक बात ध्यान दें दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट नहीं होता है तो उस केस में आपको खुद से यहाँ पे टाइप करना होगा हिंदी में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन का जो सो माता जी का नाम इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे आवेदन का माता जी का नाम हिंदी में लिखना है। ये सब डिटेल भरने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए अगर आप किसी महिला का यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे उनके पति का नाम इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे उनके पति का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको आवेदन का मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, अन्यथा कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ईमेल आईडी जरूर दें, क्योंकि दोस्तों जब आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आपको मेल पे पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे राज्य पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको बिहार राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी जिला पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी जिला से बिलोंग करते हैं आप अपने जिला का नाम इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। उनके बाद अनुमंडल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना अनुमंडल सेलेक्ट करना है। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ब्लॉक पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना ब्लॉक या प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ से आपको जो अपना जो स्थानीय निकाय प्रकार चुनना है, तो अगर आप ग्रामीण इलाके से आते हैं तो आपको ग्राम पंचायत पे क्लिक कर देना है। इस पे आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने जो वार्ड का नाम वार्ड नंबर लिख देना है, तो आप जितने भी वार्ड नंबर से आते हैं वार्ड नंबर लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत पे इस तरह से क्लिक करना और यहाँ से आपको अपने ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने गाँव का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डाकघर का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको डाकघर का पिन कोड, और इस जगह दोस्तों देखिए आपको इस थाने पे इस तरह से क्लिक करके यहाँ से आपको अपना थाना का नाम सेलेक्ट कर लेना है। थाना का नाम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करके आपको जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लेना है। ध्यान है दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो आपका जो है 300 से कम केबी में होना चाहिए, या फिर दोस्तों देखिए अगर 300 से ज्यादा भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 300 से कम केबी में हो। तो दोस्तों मैं इस तरह से एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड कर दिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और वो मोबाइल नंबर पास में है तभी आप यहाँ पे आधार नंबर लिखे, अन्यथा ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से नीचे आ जाना है, पैसा पे इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ से आपको बताना है कि आप जो आवेदन कर रहे हैं वो छात्र हैं या कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं या निजी सेवा है या व्यापारी है या फिर दोस्तों जैसे किसान है, तो अगर आप किसान के लिए कर रहे हैं तो किसान पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आप किसी स्टूडेंट का कर रहे हैं तो स्टूडेंट पे आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से वर्ग यानी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, तो यहीं पे दोस्तों देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य लिखा है, आपको क्या करना है सिंपली सामान्य पे इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। सामान्य पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ से आपको जाति सेलेक्ट करना होगा, तो सिंपली आप क्या कीजिए जाति पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए और जाति पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको जनरल क्लास की जितने भी जाति आते हैं यहाँ पे आपको इस तरह से शो हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं ब्राह्मण सेलेक्ट करूंगा, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ
ब्राह्मण हिंदू पे इस तरह से क्लिक कर देता हूँ। ब्राह्मण हिंदू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उपजाति पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिंपली इस तरह से स्क्रॉल करते हो आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो ये कैप्चा शो हो रहा है जैसे कि 76 45 78, तो ये कैप्चा आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे कि दोस्तों 76 45 78 कैप्चा था, तो मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, 76 45 78 इस तरह से आपको कैप्चा लिख देना है। और कैप्चा लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसीड बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपने जो भी डिटेल भरे हैं उसको एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको कुछ लगता है कि गलत है तो आप सिंपली कैंसिल बटन पे क्लिक करके आप इस तरह से देख लीजिए और सुधार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने जो कुछ भी डिटेल भरे हैं वो बिल्कुल सही है तो प्रोसीड बटन पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद ओके बटन पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका डाटा को यहाँ पे चेक किया जाएगा और आपका प्रीव्यू कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अटैच, सिंपली आपको क्या करना है अटैच पे इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। चलिए आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है सिलेक्ट पे इस तरह से क्लिक करना है, और सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप जो पहचान पत्र दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, अन्य जो इस तरह से कोई भी एक जो गवर्नमेंट आपका डॉक्यूमेंट है तो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास आधार कार्ड या पहचान पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही, अगर दोस्तों ये सब नहीं है तो आधार कार्ड तो आपके पास 100% होगा, तो आप क्या कीजिए आधार कार्ड पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए। इस पे आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चूज फाइल, सिंपली आपको क्या करना है चूज फाइल पे इस तरह से क्लिक कर देना, और फाइल में जाके आपका जहाँ भी आधार कार्ड है वो आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है फाइनल सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ से फिर से एक बार प्रीव्यू दिखाएगा, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट जैसे ही करेंगे दोस्तों तो आपको जो यहाँ पे आपको एक रिसीविंग दे दिया जाएगा, उन्हें आपको क्या करना है दोस्तों या तो PDF में डाउनलोड करके रख लीजिए या फिर प्रिंट निकाल के रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में आपको काम आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ दिनों के बाद आपने जो मेल ID दी है उस मेल पे आपको जो PDF के रूप में भेज दिया जाएगा, या फिर जो आप मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल पे आपको जैसे दोस्तों एक लिंक दे दिया जाएगा मैसेज के माध्यम से, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो अपना जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से सामान्य जाति का जो जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक जानकारी था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।